हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में कार्बोक्सिलिक एसिड को अच्छे से खत्म कर लिया था, नाउ अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में सबसे पहला पोर्शन हमारा क्या होगा बच्चों? अमाइन। तो सबसे पहले हम अमाइन को डिटेल करेंगे। अमाइन आपका थोड़ा सा लार्ज होता है, थोड़ा सा बड़ा सेगमेंट होगा। उसके बाद आपके दोनों सेगमेंट काफी छोटे छोटे और ईजी होंगे, ठीक है? तो ये सेगमेंट आपका काफी इंपॉर्टेंट होता है। देखो, अमाइन की रिएक्शन अगर आपने समझ लिया तो आपको सारा रिएक्शन समझ में आ जाएगा। तो एक एक करके ध्यान से समझते हैं। यहाँ पर प्रिपरेशन मेथड ऑफ अमाइन, अमाइन का प्रिपरेशन मेथड समझते हैं बच्चों। तो पहला प्रिपरेशन मेथड है हॉफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन। अब देखो, हॉफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन आपका होता क्या है बच्चों? मैंने आपको आपको कहाँ पढ़ाया था बच्चों, ये मैं बता देता हूँ बच्चों, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर एल्काइल हैलाइड में भी पढ़ाया था बच्चों, ठीक है? एल्काइल हैलाइड में कहाँ पढ़ाया था बच्चों मैंने? एल्काइल हैलाइड में। अब देखो, एल्काइल हैलाइड में मैंने ये पढ़ाया था, तो आपको अब याद आ जाना चाहिए। जैसे ही देखो, यहाँ पर आर आई की रिएक्शन अगर मैं NH3 के साथ कराऊंगा तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, ये आपका बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर RNH2 और यहाँ पर क्या बन जाएगा? HI। नेक्स्ट स्टेप में अगर यहाँ पर RNH2 की रिएक्शन ही बच्चों किसके साथ हो जाए? RI के साथ। तो ये यहाँ अटैक करेगा, ये बाहर निकलेगा, फिर आपका क्या बन जाएगा? RNHR और यहाँ पर HI। अब नेक्स्ट स्टेप में RNHR और यहाँ पर RI की रिएक्शन कराएंगे, तो ये यहाँ अटैक करेगा, ये बाहर निकलेगा, तो यहाँ पर RNRR और HI। फिर नेक्स्ट स्टेप में जैसे ही RNRR और इसकी रिएक्शन RI के साथ कराएंगे, तो ये यहाँ अटैक करेगा, ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो R4+NI- बन जाएगा। अब ध्यान से समझना बच्चों, अगर मैं नेट रिएक्शन लिखना चाहूं तो इसका नेट रिएक्शन आपका क्या होगा? NH3 4mol of RI and R4+NI-3HI भी आ जाएगा, ठीक है? इस तरीके से आपका इसका नेट रिएक्शन होगा बच्चों। अब नेट रिएक्शन में जो ये पहला वाला सेगमेंट है वो आपका प्राइमरी अमाइन को फॉर्म कर रहा है, दूसरा वाला सेगमेंट आपके सेकेंडरी अमाइन को फॉर्म कर रहा है, और तीसरा वाला सेगमेंट आपके टर्शियरी अमाइन को फॉर्म कर रहा है, ठीक है बच्चों? तो ये तो आपको मैंने पढ़ाया था। तो यहां से जो नेट रिएक्शन से जो आपको देखने को मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? इफ एल्काइल हैलाइड विल टेक इन एक्सेस अमाउंट, एल्काइल हैलाइड को मैं अगर एक्सेस अमाउंट में लूंगा तो आपका यहां पर क्या बनेगा? क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट विल बी फॉर्म्ड, ठीक है? इफ NH3 विल टेक इन एक्सेस अमाउंट then primary amine will be formed। आपका कौन सा amine formed हो जाएगा बच्चों? primary amine। तो थोड़ा सा ध्यान से समझो, अगर मैंने इसको अगर excess amount में ले लिया बच्चों, देखो ये आपका excess amount में, अगर मैंने इसको excess amount में ले लिया तो आपका क्या बन रहा है बच्चों? यहाँ पर quaternary ammonium salt। क्या बन रहा है बच्चों आपका यहाँ पर? quaternary ammonium salt। तो थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखें। देन आफ्टर मैंने आपको बताया था, इसके बाद ये रिएक्शन में कुछ ऐसा भी होता है बच्चों, बेस के प्रेजेंस में, ठीक है? बेस के प्रेजेंस में यहाँ पर कौन सा रिएक्शन हो जाता है बच्चों? E1CV रिएक्शन। तो ये रिएक्शन भी आपको यहीं से हैंड टू हैंड याद करते हुए निकलना है बच्चों, यहीं से हैंड टू हैंड याद करते हुए निकलना है बच्चों। अब आपको रिविजन करने का टाइम नहीं मिलेगा, तो आप अभी से ही रिएक्शन को हैंड टू हैंड पिछले वाले रिएक्शन को रिपीट करते हुए निकलो बच्चों, ठीक है? तो आई होप कि आपको यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हॉफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन के थ्रू हम अमाइन का प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है बच्चों? काफी इजी रिएक्शन है।
नाउ बच्चों अब हम चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे। नेक्स्ट रिएक्शन हमारा क्या होगा, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं बच्चों, अमोनोनाइसिस ऑफ एल्कोहल। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन सेकंड, अमोनोलाइसिस ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का अमोनोलाइसिस किस तरीके से होगा, देखो बच्चों यहां पर अगर मैंने ध्यान से समझना, मैं कोई एग्जांपल ही लेके डील करता हूँ बच्चों। देखते हैं C2H5OH की रिएक्शन, अगर मैंने थोरियम ऑक्साइड ले लिया या फिर एल्यूमिना ले लिया, ठीक है, इसके ऊपर से मैंने किसका यहां पर NH3 NH3 को पास किया, तो यहां पर C2H5NH2 बन जाएगा। नाउ इसी को मैंने फिर से किसके ऊपर से पास किया बच्चों, एक्सेस अमाउंट में C2H5OH। तो देखो बच्चों यहां पर आपका क्या बन जाएगा, C2H5NH C2H5। नाउ इसको मैंने अब एक्सेस अमाउंट में पास किया, तो यहां पर क्या बन जाएगा, C2H5N C2H5 और यहां पर C2H5। इस तरीके से आपका यहां पर क्या बन गया बच्चों, यहां पर आपका क्या बन गया, प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन। यहां पर आपका कौन सा बन गया बच्चों, सेकेंडरी अमाइन, और यहां पर आपका कौन सा बन गया बच्चों, टर्शरी अमाइन। तो इस तरीके से आपका अमाइन का प्रिपरेशन होगा। आप इसमें भी बोल सकते हो कि अगर मैंने C2H5 एक्सेस अमाउंट में लिया तो आपका टर्शरी अमाइन बनेगा, लेकिन अगर मैंने C2H5OH की जगह अमोनिया को एक्सेस अमाउंट में लिया तो आपका केवल प्राइमरी अमाइन बन के रह जाएगा रिएक्शन। ठीक है, नाउ अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन इसका काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, एक एक करके ध्यान से समझेंगे। रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन ग्रुप, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। देखते बच्चों नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन बच्चों, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। अब देखो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का अगर मैं रिडक्शन कराऊंगा तो यहीं पर मैं आपको रिड्यूसिंग एजेंट लिख देता हूं बच्चों, कौन कौन से आपके होंगे। रिड्यूसिंग एजेंट आपका होगा बच्चों एक SnHCl, एक होगा ZnHCl और एक होगा NaC2H5OH। ये तीनों के तीनों आपके क्या है बच्चों, सोर्स ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन। ये तीनों के तीनों यहां पर मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन में, ये तीनों के तीनों आपके क्या है बच्चों, सोर्स ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट हाइड्रोजन, जो कि आपके क्या होता है बच्चों, यहां पर आपका रिड्यूसिंग कैरेक्टर को कैरी करता है। किसको कैरी करता है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर को कैरी करेगा। ठीक है, नाउ देन आफ्टर हम बोल सकते हैं बच्चों यहां पर इसके बाद, यहां पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, एक और हम बोल सकते हैं मेटल कैटलिस्ट। मेटल कैटलिस्ट का मतलब आप लोग समझ गए होंगे बच्चों, पीटी पीडी और एनआई के प्रेजेंस में भी आपका ये रिड्यूस होगा। ठीक है, ये मैंने सारे के सारे आपको रिड्यूसिंग एजेंट मैंने आपको लिखा दिया। अब इसी के प्रेजेंस में हमको रिड्यूस करना है बच्चों, एक एक करके ध्यान से। तो सबसे पहले एक एक करके देखते हैं बच्चों किस तरीके से आपके कंपाउंड का रिड्यूस होगा। तो सबसे पहला रिडक्शन ऑफ NO2 ग्रुप। अब देखो यहां पर NO2 ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर देगा, यहां पर RNO2 होगा, तो RNO2 को यहां पर अगर मैंने रिडक्शन कराया तो ये आपका अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, प्राइमरी अमाइन। कौन सा अमाइन बच्चों, प्राइमरी अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना है इसको, इसका रिडक्शन कराएंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, आपका प्राइमरी अमाइन में। ठीक है, नाउ थर्ड अगर मैं बात करूं यहां पर, सेकेंड रिडक्शन ऑफ CN ग्रुप। CN ग्रुप का अगर मैं रिडक्शन कराऊंगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, देखो यहां पर अगर मैं CN ग्रुप का रिडक्शन कराऊंगा तो जितने बॉन्ड टूटेंगे उतने दोनों तरफ हाइड्रोजन लगा देंगे, तो यहां पर RCH2NH2 यहां पर भी आपका क्या बनेगा बच्चों, प्राइमरी अमाइन। देखो बच्चों यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये वाला कार्बन आपका CH2 में कन्वर्ट होगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना, सीधा बच्चों यहां पर RNH2 मत लगा देना। ठीक है, अब देखो थर्ड रिडक्शन ऑफ RNC ग्रुप। RNC ग्रुप का रिडक्शन हम किस तरीके से करेंगे, देखो RN
सी का अगर मैंने यहाँ पर रिडक्शन कराया तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों, देखो ध्यान से, आर एन एच सी एच थ्री, यहाँ पर आपका सेकेंडरी अमाइन बनेगा और ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, काफी अक्सर पूछा जाने वाला रिएक्शन है क्योंकि इसमें अलग कंपाउंड बनता है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट दे देखते हैं, फोर्थ रिडक्शन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइड। ठीक है, रिडक्शन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइड। अब देखो इसका कैसे करेंगे बच्चों, काफी इजी है। देखो ये मैंने ले लिया आपका प्राइमरी अमाइड, अमाइड का तो फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, ये हो गया प्राइमरी अमाइड। ये मैंने ले लिया यहाँ पर कौन सा, ये मैंने ले लिया यहाँ पर सेकेंडरी अमाइड, और ये मैंने ले लिया बच्चों यहाँ पर टर्शरी अमाइड। ठीक है, आर आर डबल। नाउ इसका अगर मैं रिडक्शन कराऊंगा और इसका अगर मैं यहाँ पर रिडक्शन कराऊंगा और इसका अगर मैं यहाँ पर रिडक्शन कराऊंगा तो किस तरीके से होगा बच्चों, देखो ध्यान से समझना बच्चों, ये वाले ग्रुप को आपको किस में कन्वर्ट कर देगा, सी एच टू में। ये वाले ग्रुप को आपको किस में कन्वर्ट कर दो बच्चों, आप सी एच टू में, तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, सी एच टू एन एच टू, यहाँ पर आर सी एच टू एन एच आर डैश, यहाँ पर आर सी एच टू एन आर आर डबल डैश। इस तरीके से हम यहाँ पर वो अमाइड के थ्रू भी हम अमाइन को ऑप्टेन कर सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 1 डिग्री अमाइन, यहाँ पर क्या बन जाएगा, 2nd डिग्री अमाइन, यहाँ पर क्या बन जाएगा, 3rd डिग्री अमाइन। बच्चों अमाइन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, अमाइन अगर आपको आ गया तो आपके मैक्सिमम रिएक्शन आपको आ जाएगी। ठीक है, अमाइन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना बच्चों। ठीक है, अमाइन अगर आपको आ गया तो आप एनिलिन भी इजीली सॉल्व कर लोगे। नाउ बच्चों अब हम समझते हैं एक एक करके कि नेक्स्ट रिडक्शन ऑफ ऑक्साइन, फिफ्थ रिडक्शन ऑफ ऑक्साइन। अब ऑक्साइम का रिडक्शन बच्चों देख लेते हैं, आर ऑक्साइम आपका क्या होता था, आर सी एच डबल बॉन्ड एन ओ एच, ये आपका ऑक्साइम होता था। ठीक है, ऑक्साइम कीटो ऑक्साइम भी हो सकता है, एल्डो ऑक्साइम भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी आपके ऑक्साइम हो सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, देखो ध्यान से, ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो इसके पास एच, एक इसके पास एच, अब यहाँ पर एक पाई बॉन्ड टूटेगा तो इसके पास एच और इसके पास एच, तो यहाँ पर टोटल कितने एच आ गए, यहाँ पर आ गया 2H, यहाँ पर आ गया 1H, और ये आपका H2O बन के बाहर निकल गया। तो इसका जब मैं रिएक्शन कराऊंगा तो आपका क्या बनेगा, आर सी एच टू एन एच टू, मतलब आपका क्या बन गया बच्चों, यहाँ पर प्राइमरी अमाइन, क्या बन गया बच्चों, यहाँ पर प्राइमरी अमाइन। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एक बार इसको ध्यान से समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नाउ बच्चों अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन, जो कि आपने कल ही पढ़ा है बच्चों, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। ठीक है, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, अब देखो ध्यान से समझना बच्चों, नेक्स्ट रिएक्शन आपने कल ही पढ़ा है, थर्ड फोर्थ होगा बच्चों, ये आपका फोर्थ हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। अब देखो हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन आपका क्या होता है बच्चों, ध्यान से समझेंगे, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन आपका क्या होता है, देखो क्या होगा, आर एन एच आर सी ओ, अमाइड ग्रुप का रिएक्शन अगर मैंने बी आर टू और के ओ एच के साथ कराया तो आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा। अभी हम इस तरीके के क्वेश्चन को लेके चलते हैं, बाद में मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, एक एक करके देखो, सबसे पहले आपका यहाँ पर बेस आपके एसिडिक हाइड्रोजन को ट्रैप कर जाएगा यहाँ से, और यहाँ पर आपका कौन आके किस पर अटैक करेगा, बी आर पर। ठीक है, बी आर पर अटैक करेगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों, आर सी ओ एन एच बी आर। अब नेक्स्ट स्टेप में फिर आपका बेस आपके एसिडिक हाइड्रोजन को लेकर ट्रैप होकर बाहर निकलेगा और यहाँ से आपका बी आर भी आपका एलिमिनेट होगा एच बी आर के फॉर्म में, तो आपका क्या बन जाएगा, आर सी ओ, ये इस तरीके का आपको नाइट्रिन कंपाउंड बन जाएगा। अब ये नाइट्रिन कंपाउंड क्या होगा बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से समझना, अब ये नाइट्रिन कंपाउंड ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ से रीअरेंज होके ऐसे बनेगा,
अब देखो रीअरेंजमेंट स्टेप आपका कौन सा स्टेप होगा बच्चों, हमेशा आरडीएस स्टेप, जो कि आपका स्लो स्टेप होगा, ठीक है, मैंने आपको बताया था। अब ये यहां पर क्या बनेगा, सी डबल बॉन्ड ओ, यहां पर एन, और ये आपका आर बन गया। नाउ इसकी रिएक्शन अब मैंने ओ एच माइनस के साथ कराई, तो ओ एच माइनस अब आपका यहाँ अटैक करेगा और ये आपका यहाँ खुलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट यहां पर क्या बनेगा बच्चों, ओ माइनस सी डबल बॉन्ड ओ, यहां पर आपका क्या हो जाएगा, सी ओ एच, यहां पर आपका सिंगल बॉन्ड, और यहां पर आपका एन एच, और यहां पर आपका आर, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा बच्चों, यहां पर ये आपका यहां से फिर से आएगा, ठीक है, ये आपका यहाँ फिर से आएगा, और इस बार आपका कौन बाहर निकलेगा, ये आपका बाहर निकलेगा, और यहां से जो हाइड्रोजन है वो इसके पास चला जाएगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा, आर एन एच टू अमाइन, क्या बन जाएगा बच्चों, यहां पर आर एन एच टू। देखो ये यहां जाएगा तो, और देखो इसको आपको समझ में नहीं आया होगा ये वाला स्टेप, मैं आपको ये वाला स्टेप बताता हूँ। देखो ओ माइनस सी, यहां पर आपका ओ एच आया, नाउ इस तरीके से एन आर, नाउ ये आप पीछे जाएगा, ये यहाँ अटैक करेगा। अब देखो H प्लस आपका H2O का वाटर मॉलिक्यूल का H प्लस आपका यहाँ अटैक करेगा, नाउ अब आपका क्या बन जाएगा, सी ओ एच, यहाँ पर आपका एन एच आर। आई होप सो कि अब आपको समझ में आ गया होगा। नाउ देखो अब क्या होगा कि ये वाला जो है ये यहाँ अटैक करेगा, ये आपका बाहर निकलेगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, अमाइन ग्रुप बन जाएगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा, अमाइन, और साथ में आपका कौन सा गैस निकलेगा, CO2 गैस, साथ में आपकी कौन सी गैस निकलेगी बच्चों, CO2 गैस, और CO2 गैस आगे फर्दर अगर मैंने यहाँ पर KOH लिया है तो K2CO3 और साथ में H2O बन के बाहर निकल जाएगा, या फिर हमको हम इसको लिख सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, कुछ भी लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से आपका रिएक्शन होगा हॉफमैन ब्रोमामाइड। अब हम इस रिएक्शन पे कुछ एग्जाम्पल को अच्छे से डील कर लेते हैं बच्चों, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि इस रिएक्शन पे हमारे क्वेश्चन किस टाइप के मिलेंगे बच्चों। तो देखते हैं बच्चों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन, यहाँ पर मैंने पहला क्वेश्चन की बात किया, देखो यहाँ पर ये इस तरीके से नाइट्रोजन CONH2, ठीक है, अगर मैंने इसकी रिएक्शन करा दिया किसके साथ, Br2 और KOH के साथ, तो आपका क्या बनेगा बच्चों, ठीक है। यहाँ पर कभी कभी आपको KOBr भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो इससे घबराना नहीं है। यहाँ पर ये वाला ग्रुप आपका हट जाएगा और यहाँ पर आपका अमाइन बन जाएगा सिंपल, तो यहाँ पर आपका अमाइन बन गया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2। देखो एग्जाम्पल नंबर 2 में बच्चों मैंने थोड़ा सा बताया आपको, यहाँ पर ही मैं आपको क्लियर करूंगा, थोड़ा सा यहीं पर समझना बच्चों। C6H5CH3, ठीक है, ये मैंने अमाइड बना दिया, ये कौन सा ग्रुप है बच्चों, अमाइड ग्रुप है, अमाइड ग्रुप के प्रेजेंस में Br2 और KOH, इसका मतलब कौन सा रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन बच्चों, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। अब हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन होगा तो यहां पर आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहां पर यहीं से मैं आपको बताता हूँ, यहां पर आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, C6H5CS3, ठीक है, और यहां पर आपका NH2। अब मुद्दे की बात यह है कि क्या आपका इस सेंटर पे रिएक्शन हो रहा है या इस सेंटर पे हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपका रिएक्शन इस सेंटर पे हो रहा है, ये आपका यहाँ रीअरेंज होकर ये पूरा का पूरा यहाँ आ जाता है, तो यहां पर आपका क्या होगा बच्चों, रिटेंशन इन कॉन्फिग्रेशन, क्या होगा बच्चों, रिटेंशन इन कॉन्फिग्रेशन, कॉन्फिग्रेशन में आपका रिटेंशन हो जाएगा बच्चों, थोड़ा सा ध्यान रखना, कॉन्फिग्रेशन में आपका क्या होगा बच्चों, रिटेंशन होगा। और भी हम क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, जैसे एक और एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3, ये मैंने ले लिया एग्जाम्पल नंबर 3, यहां पर मैंने CONH2 कर दिया और यहाँ पर इसको मैंने डैश पर रखा और ये इसको मैंने वेज पर रखा। जब मैंने आपको बोला कि इस रिएक्शन में आपका क्या होगा बच्चों, रिटेंशन इन कॉन्फिग्रेशन, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पर कॉन्फिग्रेशन रिटेन करता हुआ यहाँ पर आपका अमाइन बन जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर रिटेंशन इन कॉन्फिग्रेशन, ठीक है, रिटेंशन इन
कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन को रिटेन कर लेगा, ठीक है, काफी इजी रिएक्शन है। नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट एग्जांपल अब हम समझते हैं बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एग्जांपल में आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, साइक्लिक अमाइड के केस में। कौन से केस में बच्चों? साइक्लिक अमाइड के केस में। देखो नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 4। अब मैं आपको बताता हूँ बच्चों साइक्लिक अमाइड के केस में क्या होगा। अब देखो, ये मैंने कुछ ऐसा साइक्लिक अमाइड मैंने ले लिया, ठीक है, ये मैंने कुछ ऐसा साइक्लिक अमाइड ले लिया। नाउ आपको अगर रिएक्शन अब आपको कराना है, अब रिएक्शन किस तरीके से कराएंगे बच्चों? देखो Br2 और KOH, ध्यान से समझना बच्चों। सबसे पहले आपका, यहां पर मैं नीचे मैकेनिज्म लिखता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो Br2 और KOH, सबसे पहले OH- इसको ट्रैप करेगा, ठीक है, OH- इसको ट्रैप करेगा, और यहां पर आपका कौन अटैक करेगा? Br का, ये आपका नाइट्रोजन सेंटर अटैक करेगा और ये आपका बाहर निकलेगा। तो नाउ अब आपका क्या बन जाएगा बच्चों? यहाँ पर ओ, यहाँ पर इस तरीके से एन बी आर, इस तरीके से कंपाउंड बन गया। अब सेकेंड स्टेप में आपका जो OH- है वो आपका यहाँ अटैक करेगा, जहां पर एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है ना, अब ये यहाँ अटैक करेगा। अब जब ये आपका यहाँ अटैक करेगा तो यहाँ पर क्या बना लेगा बच्चों? O- OH, ये आपका इस तरीके से NBr, और यहां पर इस तरीके से आपका कंपाउंड बन जाएगा। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया। अब ये आपका बोन्ड नीचे जाएगा, ये आपका बाहर खुलेगा, और ये इस हाइड्रोजन को प्रोटोनेट, ये वाला हाइड्रोजन को ये नाइट्रोजन लेता हुआ बाहर निकलेगा, तो आपका क्या बनेगा बच्चों? यहां पर ध्यान से समझना, यहां पर आपका इस तरीके से, यहां पर आपका इस तरीके से कार्बोक्सिलेट आयन बन गया ऊपर, नीचे आपका क्या बन गया बच्चों? नीचे आपका, अब आपको समझ में आ गया होगा, नीचे आपको NHBr बन गया। नाउ नेक्स्ट स्टेप में बच्चों, जैसे ही आपका OH- अब इस एसिडिक हाइड्रोजन को ट्रैप कर लेगा, तो यहां से HBr को एलिमिनेट कराएगा बच्चों। HBr को एलिमिनेट कराता था, ठीक है, HBr को जैसे ही एलिमिनेट कराएगा तो यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों? नेक्स्ट स्टेप में अब यहां पर आपका नाइट्रिन बन जाएगा, ठीक है, अब ये आपका यहाँ जाएगा, ये वाला बॉन्ड आपका यहाँ जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों? O- और यहाँ पर N, ठीक है। अब लेकिन अब क्या होगा बच्चों? ये आपका रीअरेंज होगा, ये वाला पॉइंट आपका यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ पर N, यहाँ पर आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, इस तरीके से आपका कंपाउंड बन जाएगा। नाउ फर्दर अगर मैंने इसकी रिएक्शन कराई तो ये वाला ग्रुप आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों? ये वाला ग्रुप आपका अमाइन में कन्वर्ट हो जाता था। तो ये वाला ग्रुप जैसे ही मैंने इसकी रिएक्शन KOH और H2O के साथ कराया, तो आपका रिएक्शन किस में बन जाएगा बच्चों? यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट होगा वो आपका अमाइन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको प्रोडक्ट मिलेगा बच्चों। थोड़ा सा ये साइक्लिक के केस में ध्यान रखना, देखो 1 2 3, ये वाला बॉन्ड आपका गायब हो जाएगा, ये वाला एक बॉन्ड आपका क्या हो जाएगा बच्चों? गायब हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान रखना, एक बॉन्ड आपका गायब हो जाएगा। अगर मैं सिमिलर रिएक्शन बोलूँ, सिमिलर एग्जाम्पल, एक और मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ बच्चों, ऐसा ही अगर मैंने एक और एग्जाम्पल ले लिया जिसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगा बच्चों, ठीक है, थोड़ा सा समझना। एग्जाम्पल नंबर 5, अगर मैंने ऐसा एग्जाम्पल ले लिया बाय द वे, NH, ये ठीक है, इसकी रिएक्शन मैंने KOH और Br2 के साथ करा दिया, तो आपका क्या बनेगा बच्चों? अब वो वही आ गया, आपका साइक्लिक अमाइन का केस आ गया। अब जब ये आपका साइक्लिक अमाइन का केस आ गया, तो यहां पर आपका क्या बन जाएगा? यहां पर आपका ऊपर कार्बोक्सिलेट आयन, नीचे आपका अमाइन, इस तरीके से आपका प्रोडक्ट होगा बच्चों, वही साइक्लिक अमाइन के केस के हिसाब से, ठीक है। आई होप सो कि आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको रिएक्शन को डिटेल करना है। नाउ बच्चों अब हम चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की ओर। नाउ बच्चों अब हम नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हमारा कौन सा है? फिफ्थ रिएक्शन, ध्यान से समझेंगे बच्चों। फिफ्थ रिएक्शन है हमारा शिमिड रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? शिमिड रिएक्शन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, और जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, जेई पॉइंट ऑफ व्यू से तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार अक्सर पूछा जा चुका रिएक्शन है बच्चों, ये शिमिड रिएक्शन अक्सर पूछा जा चुका रिएक्शन है, और अमाइन का सबसे फेमस रिएक्शन है बच्चों, ठीक है।
तो शिमिट रिएक्शन क्या है बच्चों, समझते ध्यान से। देखो शिमिट रिएक्शन आपके तीन वेरिएशन रखते हैं। ये आपका एल्डिहाइड के साथ भी रिएक्शन करता है, एल्डिहाइड के साथ भी हमारा अगर हाइड्रोजोइक एसिड रिएक्शन करेगा, या मेरा कीटोन के साथ भी करेगा, ठीक है, हाइड्रोजोइक एसिड रिएक्शन, या हमारा यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ भी कर सकता है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ भी कर सकता है। यहाँ पर अगर हाइड्रोजोइक एसिड रिएक्शन करेगा तो तीनों में आपके डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट आपके फॉर्म होंगे बच्चों। थोड़ा सा इसको हम समझेंगे, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, तो एक एक करके हम सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड को लेते हुए चलते हैं। सबसे पहले हम कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन लेके चलते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में क्या होगा बच्चों। तो यहां पर सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन कैसे होगा, देखो जैसे मैंने आर सी ओ ओ एच, ये मैंने एच एन थ्री एच प्लस ले लिया। सबसे पहले एच प्लस एसिडिक मीडिया यहाँ अटैक करेगा, क्या होगा बच्चों, यहाँ पर ओ एच टू प्लस बनेगा। नाउ ये आपका लीव करेगा तो यहाँ पर आपका क्या बना लेगा बच्चों, ये जो कि आप अच्छे से जानते हो असाइलिनियम आयन बना लेगा, ठीक है। नाउ अब आपका असाइलिनियम आयन बन चुका है तो अब क्या होगा बच्चों, काफी अच्छा रिएक्शन है। अब यहाँ पर आपका आर सी ओ प्लस पर देखो हाइड्रोजोइक एसिड इस तरीके से होता है बच्चों, यहाँ पर एन ट्रिपल बॉन्ड एन, या आपका प्लस और इसके ऊपर माइनस। अब ये आपका यहाँ अटैक करेगा, जब ये आपका यहाँ अटैक करेगा तो आपका क्या बना लेगा बच्चों, आर सी ओ, यहाँ पर आपका एन एच, यहाँ पर एन टू प्लस लिख सकता हूँ बच्चों मैं इसको, इसको मैंने एक साथ क्या लिख दिया एन टू प्लस। अब आप लोग जानते हो कि एन टू प्लस आपका बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, एन टू प्लस आपका काफी अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो एन टू प्लस आपका ग्रुप लीव करेगा, ग्रुप लीव करेगा तो ये बॉन्ड आपका यहाँ जाएगा और ये आपका रीअरेंज होके कि किसके पास आएगा, यहाँ से बनाता हूँ बच्चों, ध्यान से समझना बच्चों इस स्टेप को, यही स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये आरडीएस होता है, यहाँ से निकलेगा ये यहाँ जाएगा और ये आपका लीव करके यहाँ जाएगा, ये आपका स्लो स्टेप होता है, रीअरेंजमेंट होगा। तो यहाँ से H बाहर निकल गया और आपका एक लिविंग ग्रुप N2 बाहर निकल गया, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों CO। अब आपको समझ में आ गया होगा, फिर आपका इस तरीके से कंपाउंड यहाँ पर बन चुका है, ठीक है, फिर आपका इस तरीके से कंपाउंड बन चुका है। देखो बच्चों इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से समझना। इसको लिखने का एक और तरीका मैं बताता हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा। देखो आर सी ओ एन एच एन टू प्लस मैंने ऐसे लिख दिया, यहां से लिविंग ग्रुप बाहर निकला तो अब आपका आर सी ओ एन एच हो गया बच्चों, यहां पर आपका माइनस। अब देखो यहां पर जैसे ही आपका एच रिमूव होगा, एच रिमूव होगा तो आपका क्या बन जाएगा, फिर अगेन फिर यहां पर आपका क्या बन गया, नाइट्रिन बन गया, ऐसा भी बोल सकते हैं, यहां पर आपका नाइट्रिन बन जाएगा, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। या तो मैं ऐसे लिखूं, या तो जो मैंने पहले स्टेप बताया था आपको तरीके से वो भी कर सकते हैं बच्चों, दोनों कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, ये बॉन्ड आपका यहाँ जाएगा, अब ये आपका यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पर इंटरमीडिएट क्या होगा बच्चों इस रिएक्शन का, नाइट्रीन, तो आपका क्या बनेगा बच्चों, ये बन जाएगा। पहले भी मैंने इसी को बनाया था, अभी भी मैंने इसी को बनाया। नाउ इसकी रिएक्शन अगर मैंने एच टू ओ के साथ कराया तो आपका क्या होगा, ओ एच यहाँ जाएगा, एच यहाँ जाएगा, तो फर्स्ट स्टेप में तो इस टाइप का आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, यहाँ पर आपका OH, और आपने हॉफमैन ब्रोमाइड में पढ़ा था, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन में। नाउ अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा बच्चों, सेकेंड स्टेप में अब देखो ये वाला आपका यहाँ चला गया, इस तरीके से हो गया रिएक्शन। नाउ अब आपका हॉफमैन ब्रोमामाइड लगाना है बच्चों, सिंपल, ये यहाँ जाएगा, ये वाला बॉन्ड आपका बाहर खुलेगा तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पर अमाइन बन जाएगा, क्या बन जाएगा यहाँ पर अमाइन, और साथ में कौन सी गैस बाहर निकलेगी, CO2 गैस। यहाँ से यहाँ तक का स्टेप बच्चों, यहाँ से यहाँ तक का स्टेप बच्चों सिमिलर है, किसकी तरह, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन की तरह, किसकी तरह, हॉफमैन ब्रोमामाइड। अब बच्चों ये वाली स्टेप तो आपको मैक्सिमम सिमिलर मिलेगी, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन की तरह, आपका ब्रोमामाइड रिएक्शन की तरह ये आपका सिमिलर स्टेप है, थोड़ा सा ध्यान से समझना,
ठीक है। तो अगर मैं ऐसे रिएक्शन कराऊंगा तो आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा कि इसका रिएक्शन जब भी H2O के साथ कराएंगे तो आपका अमाइन बन जाएगा, ठीक है, इस तरीके से यहां पर अमाइन बन जाएगा। नाउ नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम समझते हैं बच्चों एल्डिहाइड के साथ या फिर कीटोन के साथ। तो देखते हैं बच्चों कीटोन में आपका क्या प्रोडक्ट बनता है। तो देखते हैं कीटोन के साथ रिएक्शन, कीटोन प्लस हाइड्रोजोइक एसिड N3H, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है बच्चों H प्लस। अब देखो कीटोन के केस में बच्चों H प्लस कहाँ अटैक करेगा, H प्लस आपका यहां अटैक करेगा, क्या बना लेगा RCOH, जहां पर प्लस साइन और यहां पर R। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, J वाला बॉन्ड आपका ऊपर खुलेगा, यहां पर क्या बना लेगा आर सी, इसको आर डैश कर दो, इसको आर कर दो, ठीक है, आर डैश कर दो, आर डैश सी ओ एच और ये आपका आर, अब यहां पर प्लस साइन। नाउ अब क्या होगा बच्चों आपको यहां पर एन माइनस एन टू प्लस लिख देता हूँ बच्चों, ये हाइड्रोजोइक एसिड अब आपका यहां अटैक करेगा, हाइड्रोजोइक एसिड अब आपका यहां अटैक करेगा, तो यहां की किस तरीके से अटैक करेगा आर सी ओ एच आर डैश, यहां पर आर डैश है, यहां पर एन एच, यहां पर एन टू प्लस। अगर आपको ज्योमेट्रिकल स्पेसिफाइड हुआ होगा तो एंटी पोजिशन वाला हमेशा माइग्रेट करना है। अब ये वाला ग्रुप आपका यहां माइग्रेट होगा, ये वाला ग्रुप आपका कहां माइग्रेट होगा बच्चों, यहां माइग्रेट होगा। देखो किस तरीके से होगा माइग्रेशन समझना बच्चों, यहां पर आपका एच होगा, अब देखो ये वाला एच आपका बाहर निकलेगा, ये वाला यहाँ आएगा डबल बॉन्ड, ये वाला ग्रुप माइग्रेट होके इसके पास जाएगा और यहां से आपका लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा। ध्यान से समझो एक बार, ये वाला ये नीचे जाएगा, आर डैश आपका उठ के नाइट्रोजन के पास आएगा और नाइट्रोजन से आपका लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा, तो आपका क्या बन गया बच्चों, देखो एनएच के पास कौन आ गया, एनएच के पास कौन आ गया बच्चों, आर डैश आ गया और यहां पर सी डबल बॉन्ड ओ आर आ गया। देखो ये तो आपका बाहर निकल गया था, देखो इस तरीके से आपका कंपाउंड बनेगा। एक बार बनाने की कोशिश करो, आर आर डैश को ले जाओ एन के पास ले गया, एन एच पहले से था, सी डबल बॉन्ड ओ आर बन जाएगा, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे अमाइड, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों सेकेंडरी अमाइड, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमर स्पेसिफाइड नहीं होगा तो यहां पर जो आर डैश निकलेगा वो किसके अकॉर्डिंग निकलेगा, अकॉर्डिंग टू माइग्रेटरी माइग्रेटरी ग्रुप एम्पलीट्यूड, अकॉर्डिंग टू माइग्रेटरी ग्रुप एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग ये रिएक्शन आपका प्रोसीड होगा बच्चों। काफी इजी रिएक्शन है, एक दो बार ध्यान से समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब सिमिलर रिएक्शन में किसके साथ कराता हूँ बच्चों, कीटोन के साथ, तीनों में अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं बच्चों, कीटोन नहीं एल्डिहाइड के साथ, सिमिलर रिएक्शन में एल्डिहाइड के साथ कराता हूं तो एल्डिहाइड के केस में अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से आपका रिएक्शन होने वाला है। देखो आर सी ओ एच की रिएक्शन अगर मैंने एच एन थ्री के साथ कराया तो यहां पर एच प्लस कहाँ अटैक करेगा बच्चों, इस पॉइंट पर अटैक करेगा, तो आर सी ओ एच प्लस बन जाएगा, नाउ यहां पर एच आ जाएगा, ठीक है बच्चों, काफी इजी रिएक्शन है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बच्चों, सिमिलर है कुछ, बहुत ज्यादा सिमिलर है बच्चों, ये आपका इस तरीके से जाएगा, ठीक है, अब यहां पर ये आपका जाएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, जल्दी से बताओ, यहां पर आर सी ओ एच एच और यहां पर प्लस, अब प्लस के पास कौन अटैक करेगा, हाइड्रोजोइक एसिड, बच्चों अब मैं इसको एन टू प्लस लिख रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए जल्दी से, ठीक है, इस तरीके से लिख दिया। अब वो वहां अटैक करेगा तो अब आपका क्या बनेगा बच्चों, ध्यान से बताओ बच्चों, यहां पर आपका आर सी एन एन टू प्लस और यहां पर एच, यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर ओ एच और यहां पर आपका एच। अब क्या होगा, ये वाला ग्रुप आपका लीव करेगा, यहां से ये वाला ग्रुप आपका लीव करेगा, ठीक है, यहां से क्या होगा, देखो ये वाला बॉन्ड आपका यहाँ जाएगा, ये वाला ग्रुप लीव करेगा और यहाँ से ये वाला ग्रुप लीव करेगा, तो यहाँ पर आर सी एन बन जाएगा नाइट्राइल। और ये तो था इसका सिचुएशन फर्स्ट,
जो आप समझ रहे होंगे, अभी आपके लिए नया है। आप सिचुएशन सेकंड समझते बच्चों। सिचुएशन सेकंड में क्या होगा बच्चों, जो आपने अभी अभी किटोन में पढ़ा है कि माइग्रेट करा दो ग्रुप को, ग्रुप को माइग्रेट करा दो, ठीक है, एंटी पोजिशन से ग्रुप को। अगर मैं माइग्रेट भी करा दूंगा तो यहाँ पर ये वाला बाहर निकलेगा, ये वाला ग्रुप यहाँ अटैक करेगा और ये आपका नीचे जाएगा, तो यहाँ पर आपका एक और कंपाउंड यहाँ पर क्या बन जाएगा, आर एन एच सी ओ एच, ये भी बन जाएगा। लेकिन ध्यान से समझना, ये तो कीटोन का कंडीशन वाला, जहां पर ये आपका माइनर अमाउंट में बनेगा और ये आपका कौन से अमाउंट में बनेगा बच्चों, मेजर अमाउंट में। सो दैट्स व्हाई हम यहां पर आइसोनेटर। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि अगर मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन कराया तो आपका क्या बनेगा, अमाइन। अगर मैंने कीटोन के साथ कराया तो आपका क्या बनेगा, अमाइड। और अगर मैंने एल्डिहाइड के साथ कराया शिमिट रिएक्शन तो आपका क्या बनेगा बच्चों, नाइट्राइल। तो ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। थोड़ा सा इसको थोड़ा सा मेमोराइज करना पड़ेगा बच्चों आपको, N3H N3H N3H, ठीक है। इस कीटोन के केस में आपको माइग्रेटरी ग्रुप एम्पलीट्यूड को देखना पड़ेगा। नाउ बच्चों अब हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल को समझ लेते हैं कि किस तरीके से होगा। बच्चों आप मैं एग्जांपल डायरेक्टली करूंगा, लेकिन आप लोग एग्जाम्पल को थोड़ा सा आप लोग मैकेनिज्म के थ्रू जाने की कोशिश करना बच्चों। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल। अब देखो बच्चों एग्जाम्पल में हमारे क्या है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ये मैंने बना दिया फिनाइल रिंग, यहां पर सी एच टू सी डबल ओ एच, इसकी रिएक्शन मैंने एन थ्री एच के साथ करा दिया। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था, सी डबल ओ एच ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर देता है, कम्प्लीटली सी डबल ओ एच ग्रुप आपका कम्प्लीटली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमाइन में। तो यहाँ पर आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, मैंने आपको बताया था अमाइन में, ठीक है, ऐसा रिएक्शन मैंने आपको बताया था। नाउ अगला एग्जाम्पल समझते हैं बच्चों, यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर टू, अगर मेरे पास ऐसा रिएक्शन आ जाए। अब आप समझ रहे होंगे बच्चों कि किस तरीके से आपको रिएक्शन कराना है। देखो अगर मैंने इसकी रिएक्शन करा दिया तो बच्चों यहाँ पर एरोमेटिक कंपाउंड है आपका, एरोमेटिक बेंजोइक एसिड है, ठीक है, एरोमेटिक बेंजोइक एसिड है ना बच्चों, तो एरोमेटिक बेंजोइक एसिड ये वाला ग्रुप आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एन एच टू में, तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों, एनिलीन बन जाएगा। देखो ध्यान से देखो बच्चों, यहीं पर यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, एनिलीन, एरोमेटिक बेंजोइक एसिड है, तो ये आपका किस में कन्वर्ट हुआ, एनिलीन में। मैंने आपको बताया था सी डब्ल्यू एच ग्रुप आपका एनएच टू मतलब अमाइन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। नाउ अब हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर थर्ड, अगर मुझे ऐसा दिया गया है, ठीक है, अब देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो मुझे स्पेसिफाइड नहीं है। जब मुझे ज्योमेट्रिकल आइसोमर स्पेसिफाइड नहीं है बच्चों, तो मैं क्या करूंगा बच्चों, माइग्रेटरी ग्रुप एम्पलीट्यूड देखूंगा। अब बताओ माइग्रेटरी ग्रुप एम्पलीट्यूड किसका मैक्सिमम है, इसका मैक्सिमम है, जिसका माइग्रेटरी ग्रुप एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा उसके पास जाके एनएच लगा दो। क्वेश्चन सोल्व आप एक बार इसको मैकेनिज्म से करोगे, आपका होमवर्क है बच्चों, आपको होमवर्क है, आपको मैकेनिज्म से करना है माइग्रेटरी ग्रुप एम्पलीट्यूड वाला। हमेशा कोशिश करो कि आप लोगों को मैकेनिज्म याद हो जाए किस तरीके से आपका रिएक्शन है, ठीक है। एक दो बार आपको तकलीफ होगा इसके, यहाँ पर मैकेनिज्म आपके काफी टिपिकल आ रहे हैं तो आप लोगों को थोड़ा सा तकलीफ होगा, लेकिन अगर अगर आपने मैकेनिज्म को 3-4 बार अगर आपने लिखा है तो आपको फिर मैकेनिज्म का आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से कोई सी भी मैकेनिज्म आप लिख सकते हो बच्चों, ज्यादा टफ नहीं होता है। अब देखो इन दोनों में माइग्रेटरी ग्रुप एम्पलीट्यूड किसका ज्यादा है बच्चों, इसका। तो यहाँ पर पीएच एनएच सीओ सीएच थ्री, ये आपका, इसको भी आपको मैकेनिज्म से लिखना है, इन सबको आपको मैकेनिज्म से लिखना है, इन सबका मैकेनिज्म लिख के आप मुझे स्नैपशॉट भेजोगे बच्चों, ठीक है, आप मुझे स्नैपशॉट भेजोगे इन सबका मैकेनिज्म लिखते हुए सॉल्व करते हुए, ठीक है। आई होप कि आप लोग कर लोगे, ठीक है। नाउ बच्चों अब हम चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे, कौन सा, बैकमैन रीअरेंजमेंट, जो कि मैंने आपको पहले पढ़ाया था। मैंने आपको बोला बच्चों अब सारे रिएक्शन फिर आपके रिपीट होंगे जो आपने अभी तक पढ़े हैं, ठीक है। तो बैकमैन रीअरेंजमेंट बच्चों मैंने आपको अच्छे से बताया था, बैकमैन रीअरेंजमेंट देखो, बैकमैन रीअरेंजमेंट,
रीअरेंजमेंट। बैकमैन रीअरेंजमेंट में क्या होता है बच्चों? सबसे पहले अगर मैंने कीटो ऑक्साइम का रिएक्शन मैंने एसिडिक मीडिया में करा दिया, कौन सी मीडिया में? एसिडिक मीडियम में करा दिया, तो आपका अमाइड बन जाता है। इस तरीके का रिएक्शन था, तो किस तरीके से डील करेंगे बच्चों इस रिएक्शन को? काफी इजी रिएक्शन है, एक दो बार ध्यान से समझते हैं। देखते हैं बच्चों, कीटो ऑक्सिम में बैकमैन रिअरेंजमेंट। देखो, सबसे पहले मैंने किसी कीटोन ग्रुप का रिएक्शन करा दिया इस तरीके से। अब यहां पर आर डैश, ठीक है? फिर बेटा दो बार हो गया रिएक्शन, अब आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है? अब ये आपका H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, तो RCR-CONOH, ठीक है? अब ये आपके दो टाइप के आइसोमर को कैरी करेगा, या तो आपके यहां पर जो ये आपका कीटो ऑक्सी में दो टाइप का आइसोमर होगा, या तो आपका सिन होगा या तो आपका एंटी होगा। क्या होगा? या तो आपका सिन होगा या तो आपका एंटी होगा। तो देख लेते हैं एक एक करके। ज्योमेट्री इज स्पेसिफाइड, इफ ज्योमेट्री इज स्पेसिफाइड, अगर मुझे ज्योमेट्री स्पेसिफाइड कर रखा है तो क्या होगा? RC(OH) और यहां पर मैंने R-, ठीक है? या फिर मुझे दूसरी ज्योमेट्री कौन सी स्पेसिफाइड की हुई है बच्चों? ये तो मेरा फर्स्ट समझ लेते हैं। अगर मेरे पास यहां पर H+ अगर यहां अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा? RCR-NOH2+, OH2+ अभी आपका बाहर निकलेगा और यहां से इसके एंटी पोजीशन वाला अटैक करेगा इस तरफ, तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों? CR-NOH, यहां पर क्या हो जाएगा? आर, ठीक है? एंटी पोजीशन वाले ने यहां अटैक किया, ठीक है? और यहां पर देन फर्दर अगर मैं इसका रिएक्शन H2O के साथ कराऊं, किसके साथ? H2O के साथ, तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा? देखो ध्यान से, यहां पर आपका RCOH OH- के साथ करा दो, या फिर इसके साथ, ठीक है? NH-R। अब आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अब क्या करेंगे बच्चों? इस रिएक्शन को यहां पर OH के साथ करा दिया आपका रिएक्शन, H का H मैंने हटा दिया, OH यहां पर OH का अटैक करा दिया, किसका? H2O न्यूक्लियोफाइल का, H2O न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराया। अब देखो ये वाला यहां चला जाएगा, ये बॉन्ड आपका यहां चला जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा? यहां से प्रोटॉन का ट्रांसफर हो जाएगा, तो नाउ अब आपका क्या बन जाएगा? C(NH)R। इस तरीके से आपका बैकमैन रीअरेंजमेंट होगा। कब? जब आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एंटी पोजीशन वाला हटाना है। कौन से पोजीशन वाला? एंटी पोजीशन वाला, ठीक है? अगर आपको ज्योमेट्री स्पेसिफाइड हो, अगर इसमें दूसरा कंडीशन है, इफ ज्योमेट्री इज अनस्पेसिफाइड, बेटा शिमिड और इसमें कोई अंतर नहीं है, ठीक है? थोड़ा सा ध्यान रखना, इफ ज्योमेट्री इज अनस्पेसिफाइड, अगर आपका ज्योमेट्री अनस्पेसिफाइड होगा तो क्या होगा? देखो ये मैंने बना देता हूं कंपाउंड, ये मैंने इस तरीके से, ये मैंने OH, अब मैंने इस तरीके से आपका कंपाउंड बना दिया है, ठीक है? अब बताओ बच्चों, यहां पर आपको ज्योमेट्री स्पेसिफाइड है या नहीं है? यहां पर आपको ज्योमेट्री स्पेसिफाइड की गई है या नहीं की गई है? हाँ बच्चों, यहां पर आपको ज्योमेट्री स्पेसिफाइड की गई है। देखो ध्यान से, H+ यहां अटैक करेगा। नाउ जब आपको ज्योमेट्री स्पेसिफाइड किया गया है इस कंडीशन में, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, साइक्लिक कंडीशन में ज्योमेट्री स्पेसिफाइड है तो ये यहां से बाहर निकलेगा, और यहां से क्या होगा? इसके एंटी पोजीशन से ग्रुप आपका माइग्रेट होके इसके पास आ जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों? देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 मेंबर की रिंग बन जाएगी एन के साथ, NC। ये इस तरीके से आपका 7 मेंबर का रिंग बन जाएगा इस तरीके से। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 मेंबर का रिंग बन गया। नाउ जब मैंने OH- के साथ रिएक्शन कराऊंगा H2O एज ए न्यूक्लियोफाइल, तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों? यहां पर N, यहां पर डबल बॉन्ड आपका हटेगा,
COH, इस तरीके से आपका रिएक्शन यहां पर प्रोग्रेस हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये चीज यहां आ जाएगी, ठीक है, और यहां से जो प्रोटॉन होगा ये इसके पास जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर आपको ज्योमेट्री स्पेसिफाइड थी, और यहां पर जो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स पे आपका क्या था, मिथाइल ग्रुप, इस तरीके से मिथाइल ग्रुप अटैच रहेगा बच्चों। नाउ अब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी डबल बॉन्ड हो, इस तरीके से आपका कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि बैकमैन रीअरेंजमेंट में आपका क्या हो रहा है, ठीक है। अब अगर मैं इसी में एक और एग्जांपल लेता हूँ, अगर मैंने इस बार इस तरीके से लिख के दे दिया, इस तरीके से लिख के दे दिया, इसी का एक और एग्जांपल, अगर मैंने इस बार थोड़ा सा चेंजेस कर दिया, थोड़ा सा यहां पर अगर मैंने इस तरीके से लिख के दे दिया आपको एन ओ एच, क्या आपको ज्योमेट्री स्पेसिफाइड है? अब आपको पता ही नहीं पड़ रहा है कि सिन है या एंटी है, जब आपको ज्योमेट्री स्पेसिफाइड नहीं हो तो आपको क्या करना है, माइग्रेटरी ग्रुप एम्पलीट्यूड। तो यहां पर आपका क्या बन जाएगा बच्चों, देखो ध्यान से एक दो बार अगर आप मैकेनिज्म लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा, मैकेनिज्म काफी इजी है, ये आपका बाहर निकलेगा। तो इस बार देखो माइग्रेटरी ग्रुप एम्पलीट्यूड किसका मैक्सिमम है, ये वाला बॉन्ड तोड़ूंगा, ये वाला बॉन्ड तोड़ूंगा तो 2 डिग्री, और ये वाला बॉन्ड तोड़ूंगा तो 1 डिग्री, तो माइग्रेटरी ग्रुप एम्पलीट्यूड आपका 2 डिग्री का सबसे ज्यादा होता है, तो ये वाला ग्रुप अब आपका माइग्रेट होकर यहाँ आएगा। तो यहाँ पर अब आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, एन डबल बॉन्ड सी। देखो पिछले वाला क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन में अंतर आ गया बच्चों, पिछले वाले में यही ये वाला ग्रुप यहाँ था, इस वाले में यही यहाँ है। नाउ इसकी रिएक्शन में H2O न्यूक्लियोफाइल के साथ कराऊंगा, तो ये यहाँ अटैक करेगा, ये यहाँ जाएगा। नाउ अब आपका क्या हो जाएगा बच्चों, एन ओ एच, इस तरीके से आपका रिएक्शन हो जाएगा, H2O न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो एच यहाँ पर क्या जाएगा, एच ओ प्लस एच आ जाएगा, फिर मुझे एच प्लस निकालना पड़ेगा, इसलिए मैंने सीधा ओ एच का रिएक्शन कराया। अगर H2O न्यूक्लियोफाइल अटैक करता तो आपका ऐसा हो जाता बच्चों, मुझे ये निकालना पड़ता, तो इसलिए मैंने सीधा H2O से OH माइनस का अटैक करा रहा हूँ। ये यहाँ जाएगा और यहाँ से H आपका यहाँ चला जाएगा, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, देखो ध्यान से N H CO, ये आपका था बैकमैन रीअरेंजमेंट का रिएक्शन। आई होप सो कि आपको अब समझ में आ गया होगा, काफी इजी रिएक्शन है, सब सब अब बच्चों अमाइन कंपाउंड में सब अब इसी तरीके के रिएक्शन आपको लिए जाएंगे बच्चों। आई होप कि आपको यहां तक अच्छे से समझ में आया होगा। एक और रिएक्शन, एक और एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों, एक और एग्जांपल। अब मैं एग्जांपल का शॉर्टकट बताता हूँ, देखो अगर मेरे पास पीएच सीओ सी एन ओ एच ऐसा दिया हुआ है और यहां पर सी एच थ्री, अब देखो यहां पर ज्योमेट्री स्पेसिफाइड है नहीं है, तो ये वाला बॉन्ड कट करो और वहां पर क्या लगा दो, वहां पर आप लगा दो एनएच, जो बॉन्ड कट करना है वहां एनएच लगा दो, ये हो गया माइग्रेटरी ग्रुप एम्पलीट्यूड के हिसाब से, ठीक है। अब देखो यहां पर अगर मैंने ऐसा लिख दिया था पी एच सी एन ओ एच, तो अब क्या है, ज्योमेट्रिकल स्पेसिफाइड है एंटी पोजीशन से, तो ये वाला ग्रुप आपको हटाना पड़ेगा, तो अब आपका क्या जाएगा बच्चों, पी एच सी ओ एन एच सी एच थ्री, इसमें ज्योमेट्रिकल अनस्पेसिफाइड था ज्योमेट्री, इसमें आपकी ज्योमेट्री क्या थी बच्चों, ज्योमेट्री अनस्पेसिफाइड थी, और इसमें आपकी ज्योमेट्री क्या है बच्चों, इसमें आपकी ज्योमेट्री स्पेसिफाइड थी, तो थोड़ा सा अंतर आता है, लिटिल बिट डिफरेंस आएगा बच्चों इन सब में, तो थोड़ा सा इसको ध्यान से समझो। आई होप कि आप लोगों को अब अच्छे से समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको रिएक्शन को डील करना है बैकमैन रीअरेंजमेंट, ठीक है बच्चों। नाउ बच्चों अब हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल को देखते हैं, बैकमैन रीअरेंजमेंट और मैंने आपको कौन सा पढ़ाया था बच्चों, शिमिट रिएक्शन, दोनों से रिलेटेड कुछ एग्जांपल को देखते हैं, फिर हम एक साथ मिक्स करते जाएंगे रिएक्शन, ठीक है, ताकि आपको रिएक्शन याद होती जाए। तो एक एक करके देखते हैं बच्चों एग्जाम्पल, देखो पहला एग्जाम्पल, फिर एच सी सी एच थ्री सी टू एच फाइव सी ओ ओ एच, इसकी रिएक्शन आपको N3H के साथ कराना है। सेकंड एग्जांपल आपका क्या है बच्चों, सेकंड एग्जांपल में आपको बताता हूँ, यहाँ पर सेकंड एग्जांपल आपका क्या है,
CH3 C डबल बॉन्ड NOH, और यहां पर H, इसकी रिएक्शन आपको H2SO4 के साथ कराना है। ठीक है बच्चों, थर्ड एग्जांपल देखते हैं बच्चों। एग्जांपल थर्ड क्या होगा बच्चों, यहां पर इस तरीके से आपका होगा, इसकी रिएक्शन आपको N3H के साथ कराना है H2SO4 के प्रेजेंस में। ठीक है, फोर्थ एग्जांपल PH CH3 डबल बॉन्ड NOH, इसकी रिएक्शन आपको कराना है H2SO4 के प्रेजेंस में। नाउ ये आपके कुछ रिएक्शन है बच्चों, यहां पर मैं H2SO4 हटा के H3PO4 लिख देता हूँ। ठीक है, इन सबको आपको कराना है रिएक्शन को। तो कैसे कराएंगे बच्चों, देखो ध्यान से समझेंगे बच्चों, काफी इजी है। देखो सबसे पहले हाइड्रोजोइक एसिड बच्चों, आपको कार्बोक्सिलिक एसिड, तो सबसे पहले पहचान लो ये कौन सी रिएक्शन है, ये आपके शिमिड रिएक्शन है। और इन शिमिड रिएक्शन आपका हाइड्रोजोइक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड को किस में कन्वर्ट कर देता है बच्चों, हाइड्रोजोइक एसिड आपके कार्बोक्सिलिक एसिड को अमाइन में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है, अमाइन में। कैसे कन्वर्ट करेगा, यहां पर आपका क्या होगा, इसमें मैकेनिज्म आपका क्या होगा, सबसे पहले ध्यान से समझना मैकेनिज्म। एसिडिक मीडिया में एच प्लस यहाँ अटैक करेगा, ये बाहर निकलेगा, असाइलिनियम आयन बनेगा, फिर एन माइनस अटैक करेगा। एन माइनस अटैक करने के बाद आपको कुछ हॉफमैन ब्रोमाइड टाइप का इंटरमीडिएट बनाएगा, नाइट्रीन बनाएगा। अब नाइट्रीन को फिर मैं रीअरेंज कराऊंगा, नाइट्रीन का जब मैं यहाँ पर रीअरेंजमेंट कराऊंगा तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, तब आपका प्रोडक्ट आपका कार्बोक्सिल तब आपका प्रोडक्ट H2O के साथ रिएक्शन कराने पर आपका प्रोडक्ट यहाँ पर अमाइन बन जाएगा। ठीक है, प्राइमरी अमाइन हो या सेकेंडरी अमाइन हो, अमाइन बन जाएगा। नाउ इसमें ये क्या है बच्चों, सबसे पहले पहचानो, ये आपका कीटोन ग्रुप है और ये कौन सी रिएक्शन है, शिमिड रिएक्शन है। तो जब ये आपका शिमिड रिएक्शन है और ये आपका कीटोन है, तो यहाँ पर आपका कौन सा चलेगा, माइग्रेटरी ग्रुप एम्पलीट्यूड। तो माइग्रेटरी ग्रुप एम्पलीट्यूड किसका मैक्सिमम होगा, इसका मैक्सिमम होगा। तो जिसका माइग्रेटरी ग्रुप एम्पलीट्यूड आपका मैक्सिमम होगा, वहां पर NH लगा दो, ये आपका रिएक्शन इस तरीके से प्रोग्रेस होगा। नाउ ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। मैंने कीटो ऑक्सिम का बताया था बच्चों, मैंने मैंने एल्डो ऑक्सिम, इसको क्या बोलेंगे, एल्डो ऑक्सिम। अब देखो एल्डो ऑक्सिम के केस में क्या होगा, एल्डो ऑक्सिम के केस में हमेशा नाइट्रल बनेगा। देखो क्या होगा, सबसे पहले एच प्लस आपका यहाँ आएगा, यहाँ पर ओ एच टू प्लस बनेगा। नाउ ये आपका बाहर निकलेगा, तो यहाँ पर जब ये आपका बाहर निकलेगा तो ये वाला बॉन्ड भी आपका यहाँ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों, नाइट्राइल, नाइट्राइल बन जाएगा, यहाँ पर आपका नाइट्राइल कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है बच्चों, काफी इजी रिएक्शन है। नहीं तो हम यहाँ पर ऐसा भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपका नाइट्राइल ग्रुप बनेगा और मिनी और आपका माइनर अमाउंट में आपका ये वाला प्रोडक्ट भी बनने की पॉसिबिलिटी नहीं होगी बच्चों, ये वाला प्रोडक्ट आपका कभी नहीं बनेगा, यहाँ पर आपका नाइट्राइल ही बनेगा बच्चों। ठीक है, नाउ नेक्स्ट रिएक्शन बच्चों, यार ये भी आपका क्या था, ये वाला रिएक्शन आपका क्या था बच्चों, बैकमैन रीअरेंजमेंट। अब मैं आगे बच्चों काफी रिएक्शन को मिक्स करके अब मैं आपको पहचानना बताऊंगा। ठीक है, रिएक्शन को पहचानना वो आइडेंटिफाई आपको आना चाहिए। ठीक है, अब आपको सारी रिएक्शनें रिपीट हो रही है तो आपको रिएक्शन का आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए। ठीक है, नाउ अब इस रिएक्शन में क्या करेंगे बच्चों, ये भी आपका बैकमैन रीअरेंजमेंट है, यहाँ से एच प्लस अटैक करेगा, ओ एच टू प्लस बनेगा, ये आपका लीव करेगा, और यहाँ से ये आपका एंटी पोजिशन से माइग्रेटरी ग्रुप एम्पलीट्यूड आएगा, एंटी पोजिशन से आएगा ना बच्चों, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड NH PH। तो ये तो था बच्चों आपका बैकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन, शिमिड रीअरेंजमेंट रिएक्शन, और जो कर्टियस है, कर्टियस भी आपको पढ़ लेना चाहिए बच्चों एक बार। ठीक है, तो अभी मैं कल के लेक्चर में हम कर्टियस को एक बार, कर्टियस रिएक्शन को एक बार देखेंगे, और एक बार गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन को, उसके बाद हम इस अमाइन वाले पोर्शन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसमें सबसे पहले आपको एक एक करके रिएक्शन के रिएजेंट याद रखने और ध्यान रखना, साथ साथ आपका एल्डोल कंडेंसेशन। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में सारे जो रिएक्शन होते हैं उसको मिक्स करके एक मैंने क्वेश्चन बना के दूंगा बच्चों। अभी हम देख लेते हैं एक क्वेश्चन पूरा मिक्स करके बच्चों।
मिक्स करके क्वेश्चन देख लेते हैं, एक एक में मिक्स करके क्वेश्चन करा देता हूँ बच्चों, ताकि आपका पुराना भी क्वेश्चन रिपीट हो जाए। ठीक है, देखो CH3CO CH3, अगर इसकी रिएक्शन मैंने OH के साथ हीट करके कराया, सेकंड इसकी रिएक्शन मैंने CH3MgBr के साथ कराया, ये मैं आपको होमवर्क होमवर्क में आपको दे देता हूँ। इसकी रिएक्शन मैंने यहाँ पर C2H5 कर लो तभी मजा आएगा। ठीक है, इसकी रिएक्शन मैंने HN3 और H2SO4 के साथ कराया। नाउ इसकी रिएक्शन मैंने अगर बेटा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ कराया, फिर इसकी रिएक्शन बच्चों मैंने किसके साथ कराई, यहाँ पर इसकी रिएक्शन मैंने NaBH4 के साथ कराई। ठीक है, इसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ कराई, नेक्स्ट इसकी रिएक्शन मैंने आपका कराया यहाँ पर NH2OH के साथ, नाउ फर्दर एसिडिक मीडिया के साथ। ठीक है, अब आपको ABCDEF आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा वो आपको बताना है बच्चों। काफी इजी रिएक्शन है, काफी इजी रिएक्शन है, अगर आप एक दो बार ध्यान से समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ, जहां पर आपका एल्डोल कंडेंसेशन, ये रिएक्शन आपका किसके थ्रू जो चलेगा, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के थ्रू, क्योंकि मुझे बेसिक मीडिया पता पड़ गया। सेकंड, ये आपका कौन सा रिएक्शन है बच्चों, रिडक्शन है, ये आपका होमवर्क है बच्चों। ठीक है, रिडक्शन है, ये आपका कौन सा है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट का क्वेश्चन है, ये आपका किसका क्वेश्चन है बच्चों, शिमिड रिएक्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, शिमिड रिएक्शन का क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, रिडक्शन बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, नाउ यहाँ पर आपका क्या है बच्चों, यहाँ पर ये आपका बैकमैन रीअरेंजमेंट पे क्वेश्चन है बच्चों ये आपका। तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है बच्चों, ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन को डील करना है। काफी इजी को क्वेश्चन है। ठीक है, एक दो बार आप इस क्वेश्चन को भी करिए होमवर्क में, और मैं एक और होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ बच्चों, एक और होमवर्क क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर अगर मैंने ऐसा कंपाउंड बना दिया, देखो ध्यान से, ये मैंने कंपाउंड बना दिया यहाँ पर CH3। ठीक है, इसकी रिएक्शन आपको करानी है सबसे पहले OH- और हीट के साथ एक्सेसिव अमाउंट में, एक्सेस अमाउंट में। ठीक है, एक्सेस छोड़ो, इसको छोड़ो, नेक्स्ट रिएक्शन आपको करानी है बच्चों इसकी CH3MgBr के साथ और हाइड्रोलाइसिस करा के। नेक्स्ट रिएक्शन आपको इसके साथ करानी है, N3H की रिएक्शन करानी है। ठीक है, नेक्स्ट आपको इसकी रिएक्शन करानी है NH2OH के साथ, ठीक है, H2SO4 के साथ। ये सारे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने हैं आज ही, आज सॉल्व करके मुझे प्लीज बच्चों आप लोग स्नैप भेजना, ताकि आप लोगों का कितना कंसेप्ट क्लियर हुआ है वो मुझे पता पड़ेगा। ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसमें काफी कुछ आपको याद हो जाएगा। और कोशिश करना सारे रिएक्शनों को आप मैकेनिज्म वाइज सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करोगे बच्चों, मैकेनिज्म वाइज। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच।